हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो चिप सीआरटी टीवी चैसिस का अंदर जो चिप आईसी देखा जाता है, वो चिप आईसी आसानी से कैसे आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया जो ESD होता है, ESD का जो रिपीटिंग पिन होता है, वो PCB से ओपन करना बहुत टाइम बहुत टाफ लगता है और बहुत प्रेशर भी देना पड़ता है। तो इसके ऊपर आसानी से वो ESD कैसे ओपन अप कर सकते हो, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया और खूब कम दिनों में वो वीडियो बहुत दोस्त ने देखा है और बहुत अच्छा अच्छा कमेंट किया है। तो दोस्तों, इसलिए मुझे को लगता है IC आसानी से कैसे रिमूव कर सकते हो, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, पहले बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया, लेकिन दोस्तों अभी अभी नया जो मेरा सब्सक्राइबर आया, वो सब्सक्राइबर को देखने के लिए मैं ये जो IC रिमूव ट्रिक दिखाता हूँ, तो वो दोस्तों को बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, ये देखिए मेरे पास ये एक हॉट एयर गन है। दोस्तों, मेरा दोस्त मेरा पास एक PCB भेजा है, क्योंकि वो बात है कि तेरा पास तो हॉट एयर गन है, तो ये IC को रिमूव कर दीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो में ये हॉट एयर गन यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, आपको आसान ट्रिक दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये एक ओनिडा कंपनी का CRT TV का चैसिस है। तो दोस्तों, ऊपर सब देख सकते हो, और ये ओनिडा का PCB का पीछे साइड देखिए, ये एक चिप IC है। तो दोस्तों, ये चिप IC प्रॉब्लम है। तो ये चिप IC मैं आज आपको इस वीडियो में ओपन करके देखाऊंगा आसानी से। आपका पास हॉट एयर गन नहीं है तो तब भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपको ये कैसे आसानी से ओपन कर सकते हैं, ये आपको ओपन करके देखाऊंगा। तो दोस्तों, इसीलिए आपको जो ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ कॉपर वायर, ठीक है दोस्तों। तो वो वायर आप, ये जो कॉपर वायर आप देख रहे हो मेरा पास है, तो आप ये वायर जो चॉपर होता है, चॉपर से आप ले सकते हो, ठीक है। तो और थोड़ा सा पेस्ट आपको लेना पड़ेगा, कुछ भी पेस्ट हो सकता है और कुछ रंग, ठीक है। और आपको नॉर्मल सा ये वायर कैसे आप ये यूज़ करेगा, तो इस वीडियो में आपको पूरा देखाऊंगा। ये वीडियो की मात कीजिए, जितना टाइम लगता है वही टाइम आपको वीडियो देखाऊंगा, ठीक है। और वीडियो की मात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट थोड़ा पेस्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा पेस्ट। और IC का जो चारों साइड आपको अच्छा करके लगा देना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं किस तरह लगा तो आप देखिए। दोस्तों, न्यू टेक्नीशियन को बहुत काम आएगा इस ट्रिक आप यूज़ करेगा तो, ठीक है। और कभी कभी हॉट एयर गन से आप IC को ओपन करेगा तो ओपन करने का समय इसका जो फॉइल लाइन होता है, ये कभी कभी जल जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही आसान तरीका और सेफ तरीका है, ठीक है। फॉइल लाइन और PCB का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये जो वायर है, ये वायर को IC का अंदर आपको इस तरह देखिए मैं किस तरह ये घुसा दिया है। तो इस तरह आप इसका अंदर इस तरह करके, और मोटा वाला जो पॉइंट होता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, और चौड़ा वाला जो फॉइल लाइन होता है वहाँ पर आप एक साइड सोल्डरिंग काट दीजिए वायर का एक पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ही IC का सामने में सोल्डरिंग काट देता हूँ, और ये तो हो गया पहला काम, ठीक है। और दोस्तों देखिए, थोड़ा सा रंग लेके ये जो IC का जो पिन होता है, अब थोड़ा सा हल्का सा रंग लेके इस तरह लगा दीजिए, ठीक है। और IC को इस तरह हिट कीजिए, IC का जो पिन है, ठीक है, ये 25 वाट का आयरन है, ठीक है। और ये जो वायर एक हाथ से आपको खींचना पड़ेगा, धीरे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉइल लाइन टूट ना जाए, इसलिए आपको हिट करना पड़ेगा और इस तरह आपको करना पड़ेगा। तो मैं ये किया, और दोबारा आपको चेक करके देखना पड़ेगा IC पिन ओपन हो गया है कि नहीं। दोस्तों देखिए, कुछ पिन ओपन हो गया, ठीक है, देखिए कुछ पिन ओपन हो गया, थोड़ा सा एक ज्वाइंट लग गया। तो ये ज्वाइंट को आपको थोड़ा सा इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों इधर भी छोटा सा एक ज्वाइंट हो गया, आपको ये आयरन से हल्का सा हिट करने के बाद भी ये ओपन हो जाता है। तो दूसरा और तीसरा बार आपको चेक करके फिर भी देख लेना पड़ेगा IC का कुछ भी पिन कनेक्शन है कि नहीं है। तो आप क्या देखा है, IC का सब कुछ पिन ओपन हो गया एक साइड। तो दोस्तों, और जो अलग साइड है, ये साइड को आपको इस तरह काटना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं काटता हूँ, आप देखिए। और दोस्तों एक बात, ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में लॉन्ग डिस्कस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है।
आपका पास ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी मन में क्वेश्चन आएगा तो तभी आप ये वीडियो का कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो सभी कमेंट का मैं आंसर देता हूँ। और दोस्तों लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो फर्स्ट प्ले स्टोर से आपको टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप ग्रुप पर मैं जो लिंक देख के रखा है टेलीग्राम का, वो ग्रुप लिंक क्लिक करके आप वो ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल लिंक देख के रखा है, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ नया नया अपडेट देता हूँ वो चैनल पर, ठीक है। और दोस्तों आप मेरा फेसबुक पेज पर आना चाहते हो तब फेसबुक पेज पर भी आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर उसका भी लिंक है, ठीक है दोस्तों। और मैं कुछ अमेजन एफिलिएट लिंक देख के रखा है, कुछ सोल्डर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स आप खरीद करना चाहते हो तो आप अमेजन साइट से खरीद कर सकते हो, आपको अलग साइट से ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। उस लिंक देख के आप डायरेक्ट क्लिक करेगा तो वो अमेजन पर आप चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं कुछ वीडियो लिंक दे देगा, ठीक है। आप वो वीडियो देख के अलग अलग इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में आप नॉलेज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद जो ईएसटी होता है, ठीक है, ईएसटी का कुछ रिपीटिंग पिन देखा जाता है, एलजी, सैमसंग और ब्रांडेड कुछ टीवी चेसिस का। तो रिपीटिंग पिन आप कैसे आसानी से ओपन कर सकते हो उसके ऊपर जो मैं वीडियो बनाया, वो वीडियो देख के बहुत दोस्त ने कमेंट किया है कि सर बहुत अच्छा सा ट्रिक देखा है, लेकिन तब भी कुछ कुछ दोस्त का वो ट्रिक पाता है, ठीक है। तो आपका वो ट्रिक नहीं पाता है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो का लास्ट में, ठीक है, ये वीडियो का लास्ट में स्क्रीन पर मैं एक वीडियो दे देगा, ठीक है। वो वीडियो आप क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हो, नहीं तो आप ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अंदर मैं लिंक दे देगा, वो लिंक क्लिक करके भी आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और अभी अभी जो नया दोस्त ये चैनल पर ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब करके रखा है, वो दोस्त को दोस्त के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि पहले से इस टाइप आई से रिमूव करने का एक वीडियो बहुत दिन पहले ही बनाया, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, बिना इसके मत कीजिए, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कितना टाइम लगता है और ये किस तरह ओपन होता है, और ओपन करने के बाद इसका फॉइल लाइन टूट जाता है कि नहीं, ये आप डायरेक्ट ही इस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, कुछ भी काट छाट नहीं करूँगा, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत कीजिए। तो दोस्तों ये चैनल पर मैं सीआरटी टीवी रिपेयरिंग का ऊपर बहुत वीडियो बना के रखा है, ठीक है, अलग अलग कंपनी का ऊपर अलग अलग मैं प्ले लिस्ट बना के रखा है, ठीक है। होम थिएटर सर्विसिंग का ऊपर वीडियो मैं बना के रखा है, ठीक है। और क्या बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में बहुत कुछ टाइप रिपेयरिंग में किया है, ठीक है। तो वो सब वीडियो ये चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर एक कमेंट कीजिए, क्योंकि ये जो ट्रिक आपको देखा है आपको पहले से ही पता है तो बहुत ही अच्छा है, और आपको ये ट्रिक न्यू देखा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताए, ठीक है दोस्तों। और ईआईसी रिमूव करने का और आसान टिप ट्रिक्स आपके पास है तो तब भी आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं ज़रूर आपका कमेंट का आंसर देगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपके साथ बात करते करते मैं सभी पिन को ओपन काट दिया, और जिस तरह मैं काटता हूँ इस तरह आप देखिए। तो आईसी का सब पिन ओपन करने के बाद आपको लास्ट जो करना पड़ेगा, देखिए ये जो पीसीबी का ऊपर साइड, ये देखिए दो छेद दिखा जाता है, ठीक है। तो ये छेद से आपको कुछ भी स्क्रू ड्राइवर और ट्वीजर भी लेके आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। मेरे पास एक ट्वीजर है, तो ट्वीजर लेके थोड़ा सा आपको टच करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको दिखाता हूँ पीसीबी उल्टा करके, ये टच करने के बाद आईसी रिमूव हो जाएगा। देखिए आईसी रिमूव हो गया, देखिए दोस्तों ये आईसी का अंदर गम है, ठीक है। ये जो रेड वाला जो देखा जाता है ये गम का टिप है, ठीक है। ये आईसी लगाने का समय कंपनी फर्स्ट ये यूज़ किया है, तो देखिए तो ये गम का वजह ये आईसी बहुत टाइट वो फिटिंग वो देखा जाता है। तो इस तरह टच करेगा और आप थोड़ा सा थिनर और पेट्रोल देगा तो वो आसानी से आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और आपको इस तरह आयरन लेके आप क्लीन करेगा, क्लीन करने के बाद न्यू आईसी लगाने का समय आप ये 25 वाट आयरन से ही आईसी को कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों और बहुत अच्छा होगा कि ये क्लीन करने के बाद आप थोड़ा थिनर और पेट्रोल लेके थोड़ा सा साफ कर दीजिए तो और बहुत अच्छा देखेगा और क्लीन देखेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं फर्स्ट ये जो आईसी का पिन मैं सब कुछ फ्रेश कर लिया,
अब देखिए आपको और का नज़दीक से आपको देखा था, देखिए तो दोस्तों देखिए इसका कुछ भी फॉयल लाइन टूटा फूटा नहीं हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा से ये आईसी रिमूव हो गया। तो दोस्तों फाइनली मैं थोड़ा सा पेट्रोल लेके मैं वॉश किया है, देखिए वॉश करने के बाद बहुत ही अच्छा देखा जाता है। और दोस्तों देखिए स्क्रीन का ऊपर जो वीडियो आ गया है ना, ये वीडियो क्लिक करके आप ESD आसानी से कैसे ओपन कर सकते हो ये आप देख सकते हो। और दोस्तों वो वीडियो देखने के बाद ज़रूर आप कमेंट कीजिए और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर फॉलो कीजिए।